इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बस ये बता दूं कि इमेजिनरी नंबर्स आखिर क्या होते हैं। क्लास 9 और 10th में आपने ऑलरेडी स्टडी ये कर लिया है कि रियल नंबर्स आखिर क्या होते हैं। डेफिनेशन मैं आपको एक बार याद दिला दूं, रियल नंबर्स वाले केस में आपने ये सीखा था कि हर वो नंबर रियल नंबर है जिसके स्क्वायर या तो पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो। इस हिसाब से सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये सारे के सारे रियल नंबर्स थे क्योंकि इन सारे नंबर्स की स्क्वायर या तो पॉजिटिव थी या फिर जीरो थी। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शो कर देता हूं, नेगेटिव 2 की स्क्वायर कितनी होती है? इट्स प्लस 4 ना, इसलिए क्या है, ये रियल नंबर है। सिमिलरली माइनस 5 या कुछ भी ले लो, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी स्क्वायर कितनी होती है मुझे ये बताओ, इसकी स्क्वायर होती है 2, इसलिए क्या है, ये भी एक रियल नंबर है। सिमिलरली जीरो की स्क्वायर कितनी होती है, जीरो। 1/2 की स्क्वायर कितनी होगी, 1/4, सारे पॉजिटिव में, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव हो या जीरो हो, जीरो वाले केस में ना पॉजिटिव ना नेगेटिव है, कुछ नहीं लिखते हैं। तो इस हिसाब से क्या है, ये सारे के सारे रियल नंबर। तो आपने देखा इन सारे नंबर्स की, अल्टीमेटली इन सारे नंबर्स की जो स्क्वायर होगी वो या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, इस हिसाब से ये सारे रियल नंबर्स थे। अब सवाल है कि इमेजिनरी नंबर क्या है। चलिए मैं आपको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में भी बता दूं। सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लो, ओके। ऐसे आपको यह समझ में आ गया होगा, हर वो नंबर इमेजिनरी नंबर है जो रियल नहीं है। इस तरीके से आप समझ तो सकते हो, बट काम नहीं चलेगा, काम इसी डेफिनेशन से चलेगा। यह डेफिनेशन क्या कहता है, ये देखो, बेहद ही सिंपल है। हर वो नंबर इमेजिनरी नंबर है जिसके स्क्वायर नेगेटिव होती है, दैट्स वेरी सिंपल। तो एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जिसके स्क्वायर नेगेटिव हो, बट सवाल है कि वो नंबर क्या होगा, क्या वो 2 होगा या फिर -2 होगा या फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 या कुछ और होगा। अब थोड़ा ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज करके। चलिए आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब मैं बता दूं कि एक्चुअली नंबर क्या होगा। देखो ये नंबर को देखो आप, स्क्वायर रूट ऑफ -2। आप देख सकते हो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपको देगा -2। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ -3, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपको देगा -3। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ -4, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। तो ये सारे इमेजिनरी नंबर्स हैं। और एक और एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल कुछ खास है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपको देगा -1। ये नंबर इसलिए खास था क्योंकि इसके लिए हमने एक सिंबल यूज किया, और ये सिंबल है ये। टेक्निकली ये आयोटा है, ये ग्रीक लेटर आयोटा है, बट देखने में ये आई जैसा लगता है, बट ये आयोटा है। और एग्जैक्टली आयोटा कैसे लिखते हैं ये गूगल में आप चेकआउट कर लो, बट ये आई जैसा ही लिखते हैं। तो एनी हाउ इस वीडियो में आपने ये देखा कि इमेजिनरी नंबर आखिर क्या होते हैं। तो हर वो नंबर इमेजिनरी नंबर है जिसके स्क्वायर नेगेटिव होती हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।